तो दोस्तों मेरे पे है ये स्पीकर, गैस करिए आप ये कितने वोल्ट का स्पीकर होगा। मैग्नेट के हिसाब से ये कितने वोल्ट का स्पीकर होगा। मैग्नेट इसकी देखिए, स्पीकर किस साइज की मैग्नेट है, देखिए मैं बताता हूँ ये कितने वोल्ट का स्पीकर है। ये है 5 वोल्ट 4 ओम का स्पीकर। अब इसकी मैग्नेट इतनी बड़ी है फिर भी ये 5 वोल्ट का है, क्यों? क्योंकि सारा वोल्ट इसके कॉइल पे डिपेंड होता है। ये देखो इसकी कॉइल, इसकी कॉइल इतनी है, उसी हिसाब से जितनी वो हैवी इसकी कॉइल होगी उतना हैवी इसका आउटपुट होगा। ये इसकी कॉइल है, ये इसका स्पाइडर भी देखिए कितना हल्का है मैग्नेट के हिसाब से। और स्पीकर है 5 वोल्ट 4 ओम का। स्पीकर का बेस आउटपुट जो भी है वो सारा उसकी मैग्नेट पे नहीं, उसकी वॉइस कॉल पे भी डिपेंड करता है वो, कि वो कितना आउटपुट दे पाएगा और कितनी वो बेस दे सकता है। और फिर बेस के वो कॉइल के हिसाब से उसका ये पर्दा है जो वो होता है, क्योंकि ज़्यादा बेस होने से इसका पर्दा भी फट सकता है। अब मैग्नेट इसमें हम अगर ये इसका बड़ा वाला हिस्सा भी लगा दें तो भी वो 5 वोल्ट आउटपुट ही देगा, लेकिन उसका ये ग्रिप बढ़ जाने से उसका लाउडनेस और बढ़ जाएगी, फिर वो 5 वोल्ट का नहीं होगा, फिर वो 10 वोल्ट का आउटपुट देगा। जैसे ही इसका ये पेपर का ये बढ़ जाएगा, ये इसका ये जितना बड़ा ये है इससे अगर डबल कर दिया जाए तो साउंड और भी लाउड हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है 5 वोल्ट का तो 5 वोल्ट ही देगा, 5 वोल्ट नहीं फिर वो 10 वोल्ट का आउटपुट देगा। अगर नहीं है यकीन तो आप एक बार ट्राई करके देखना, क्योंकि मैं तो ट्राई नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास सामान नहीं है जो मैं इसमें कुछ करके देख पाऊँ। बाकी अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो, जानकारी वाली लगी हो, तो फिर मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसी और वीडियो को देखने के लिए। बाकी स्पीकर आपको कैसा लगा 5 वोल्ट के हिसाब से, इसका थैंक यू फॉर वॉचिंग।